तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यारो ओए स्टेडियम तो जाना ही है, और सचिन भरा का जी मैच देखेंगे तो हम भी इतिहास बन जाएंगे। वो साहब इतिहास नहीं, इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। हाँ सही बात है। और जब मैं अपने बच्चों को ये किस्सा सुनाऊंगा बेटा मैं भी इस इतिहास का हिस्सा हूँ, तो सोचिए कितना खुश होंगे। कौन? मेरे बच्चे। बोलो। भैंस भगोड़े ना छास छगोड़े। क्या है तो भगोड़े और छास? क्या हमारा गुजराती में कहावत है कि भैंस का ठिकाना नहीं और उस भैंस का दूध से बनी छास पीने का आप सपना देख रहे हैं। आएगी आएगी जेठालाल, बहुत जल्द मेरे जीवन में एक भैंस जरूर आएगी। मेरा मतलब है एक बीवी जरूर आएगी और उसके साथ में सचिन का मैच देखूंगा। कहाँ? सचिन के घर पे? मेरे घर पर। सचिन आएगा खेलने? हाँ। वो क्या निवृत्त होने के बाद तो फ्री है सचिन, तो जो भी बुलाएगा उसके घर पर जाकर वो खेलेगा। भाई जेठालाल अपने सेंट्रली एसी घर के बड़े से सोफे पे बैठकर बड़े से टीवी स्क्रीन पर सचिन की पुरानी पुरानी इनिंग्स अपनी धर्मपत्नी के साथ देखने की बात कर रहा हूं मैं। अरे हाँ पोपट भाई, आपने कहा था ना कि आपके पंखे का रेगुलेटर खराब हो गया है। मैंने पप्पू इलेक्ट्रिशियन से बात कर ली है, वो कल सवेरे आके ठीक कर देगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, थैंक यू। वैसे पावड़लाल तुमने एकदम करेक्ट कहा, सचिन तेंदुलकर का पुराना इनिंग देखने का मजा तो आज भी बहुत आता है। वो शारजा वाला इनिंग याद है ना, सचिन तेंदुलकर ने क्या बैटिंग किया था। बिल्कुल करे यार, याद है एक बार ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन ने क्या कहा था कि हम टीम इंडिया से नहीं आ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर से आ रहे हैं। और सच में तेंदुलकर पाजी तो क्रिकेट के सुपरस्टार हैं भाई। बिल्कुल सही बात है। सच में जब भी सचिन खेलता है फटाके बैठने वालों का क्या धंधा होता है, डबल ट्रिपल चौबल हो जाता है। उसकी हर सेंचुरी पे लोग क्या फटाके फोड़ते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा साल दिवाली है। और इस साल तो दिवाली के तुरंत बाद सचिन की आखिरी टेस्ट मैच है, सोचिए कितने फटाके फूटेंगे। सही बात है। इस बार ये टेस्ट मैच के टिकट का बंदोबस्त हो जाए ना तो सचिन की बैटिंग लिव देखने का क्या मजा आएगा। लाइव लाइव कहते लिव लिव। आदाराम एकदम करेक्ट है, लिव LEAVE लिव लिव। मेहता साहब आए नहीं? वो मैच के टिकट लेने के लिए गए। अरे हाँ अच्छा याद दिलाया अब्दुल, मैं तो सबको फोन करके पूछता हूँ। हाँ, पूछो। और टिकट का कुछ हुआ कि नहीं भाई? बोलो जेठालाल फिर क्या हुआ, कोई और टेंशन? अरे नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है, वो तो हम लोग इधर सोडा पीते पीते बात कर रहे थे कि टिकट का जुगाड़ कैसे करे, तो आपसे कुछ हुआ है? अरे कहाँ टिकट के जुगाड़ की बात कर रहे हो जेठालाल, यहाँ तो मैं अपनी नौकरी का जुगाड़ कर रहा हूँ इस वक्त। भाई ऑफिस का काम छोड़ के दिन में सोसाइटी आया था, तो अब तो ऑफिस का काम करना पड़ेगा कि नहीं, वरना ऑफिस से बाहर निकाल देगा बॉस। ओ सॉरी सॉरी, नहीं नहीं आप काम कीजिए, लेकिन ये टिकट का कुछ जुगाड़ हो तो जरा देखना प्लीज। है हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं देखता हूँ जरूर। ओके ओके थैंक यू। सॉरी भाई उनसे तो कुछ टिकट का जुगाड़ हुआ नहीं है। अरे बाप रे, नहीं हो पाया यार, टेंशन ना लो और टिकट का जुगाड़ मैं करूंगा। तू कैसे? ओए स्टेडियम में अपनी पहचान का बंदा जो काम करता है। अरे अरे वो तो भाई पहले बोलना चाहिए ना सोनी, कमाल है भाई, इतनी देर से हम परेशान हो रहे हैं। क्या बात है सोनी, क्या बात है यार, क्या पहचान निकली। वाह यार ये अभी तो बोरे हो गया, हो गया पाकिट का सका वाला पैसा कैसे वो मतलब पाकिट बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा बोल रहा है। कमाल है, मतलब तू कैसे जानते है उसे? और मैंने एक बार उसकी गड्डी रिपेयर की थी। अच्छा कमेटी मेंबर है क्या? और गेट कीपर है जी। ये भैंस पानी में, गेट कीपर खुद अंदर जा नहीं पाता है, वो हमें क्या अंदर भेजेगा।
और ठीक है जी, फिर जैसी आपकी मर्जी। आई रियली होप कि हमें किसी भी तरह से टिकट्स मिल जाए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को खेलते देखने का ये हमारे पास आखिरी मौका है। वेरी ट्रू। मैं तो आंख बंद करके सचिन भाई तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए देखूंगी। का आंखें बंद करके? आंखें बंद करके कैसे देखेंगी दया भाभी? क्योंकि सचिन भाई तेंदुलकर न करे नारायण, अगर आउट हो गए तो आखिरी बार मैदान छोड़कर जाने वाला उनका दृश्य मैं नहीं देख पाऊंगी, मैं तो रो ही पड़ूंगी। हाँ वो तो है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आखिरी मैच में सचिन आउट ही ना हो, खेलते ही रहे। नहीं? Yes. हाँ, खेलते ही रहे। उससे पहले माधवी भाभी आप ये प्रार्थना कीजिए कि हमें मैच की टिकट्स मिल जाए, क्योंकि हमें अगर मैच की टिकट्स नहीं मिली ना तो सचिन तेंदुलकर को लाइव खेलते हुए देखने का लास्ट मौका मिस हो जाएगा। अरे हो, बरोबर है। हाँ बट डोंट टेक एनी टेंशन, आई एम श्योर हमारे टिकट्स का कोई ना कोई इंतजाम तो जरूर हो जाएगा। तो तय रहा, कल हम सब अपनी चोटी एड़ी का झोर लगा देंगे और टिकट का बंदोबस्त करके रहेंगे। हेलो। हेलो दिनेश गायकवाड़। जी हाँ बोल रहा हूँ। अरे दिनेश कैसा है? मैं ठीक हूँ, कौन बोल रहे हैं? अरे भिड़े बोलते हैं। भिड़े? कौन भिड़े? अरे आत्माराम तुकाराम भिड़े, बचपन का दोस्त, रत्नागिरी। अरे आत्मिया, रत्नागिरी के स्कॉलर, आज इतने सालों बाद तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला रे? अरे तुम्हारा नंबर मिलना कौन सी बड़ी बात है भाई, अरे तुम क्रिकेट के स्टेट लेवल के अंडर 16 के कोच हो भाई। अच्छा दिनेश सुनना, एक काम था तुमसे। तेंदुलकर की आखिरी टेस्ट मैच की टिकट चाहिए होगी। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि आज ही के दिन मुझे सारे पुराने फ्रेंड्स याद कर रहे हैं। सॉरी, मैंने भी एक्चुअली उसी सिलसिले में फोन किया है। दरअसल मुझे इस मैच की 22 टिकट चाहिए। क्या है, मेरी पूरी गोकुलम सोसाइटी मैच देखने जाना चाहती। अरे भाई, यहाँ एक टिकट मिलना मुश्किल है और तुझे 22 टिकट चाहिए। हाँ लेकिन जरा ट्राई तो करना प्लीज। याद एक काम कर, तू हमें सिर्फ स्टेडियम में एंट्री दिलवा दे, हम लोग खड़े खड़े मैच देख लेंगे। अरे क्या खड़े होके देख लोगे भाई, ये कोई गली का क्रिकेट नहीं है, सचिन तेंदुलकर के कैरियर की आखिरी टेस्ट मैच है। इसके टिकट के लिए किलोमीटर लंबी लाइन लगी है और फिर भी नहीं मिल रही। तुझे पता है एक टिकट का भाव 60,000 रुपया है। अरे देवा, 7,000 मतलब मैं सोनू और माधवी मतलब 21,000 रुपये का खर्चा। ए रत्नागिरी के स्कॉलर, 7 नहीं 60 60,000। हेलो 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 गेला। अहो 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 काय झालं तुम्हाला? हेलो हेलो अहो काय झालं? आवाज आहे मग बोला ना। अरे मैंने वो मैच की टिकट के लिए दोस्त को फोन किया था, उसने बोला एक टिकट का 60,000 रुपया। 60,000 मतलब 3 टिकट का हो गया 1,80,000। अभी इतने पैसे कहाँ? माधवी 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 छान दिसतेस। रोशन मेरी जान, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। अरे रोशन डांस क्यों कर रहे हो बताओ तो। ओ सोनिए, मैच देखने का बंदोबस्त हो गया। ओ सोनिए, मैंने वानखेड़े स्टेडियम के मेन चौकीदार की एक बार गड्डी ठीक की थी और बस उसी ने हेल्प कर दी, एक पैसा भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे मानो रोशन, पर आगे की सीट मिली कि दूर की? ओ वैसे सोनिए थोड़ी दूर की है। अरे पर ठीक है ना, सीट तो मिल गई। अच्छा अब ये बता कौन से स्टैंड की? ओ सोनिए स्टैंड की नहीं, टेरेस की है।
टेरेस की मतलब? ओ सोनिया, जिस चौकीदार की मैंने गड्डी ठीक की थी ना, उसका एक दोस्त वानखेड़े स्टेडियम के बाजू वाली बिल्डिंग में चौकीदार है, बस उसी ने सेटिंग कर दी। अब हम सभी लोग उस बिल्डिंग के टेरेस पे जाकर मैच देख सकते हैं और मजा आ जाएगा। मजा क्या मजा आ जाएगा, और टेरेस से तो सिर्फ स्टेडियम का छत दिखेगा, उधर जो मैच चल रही है वो कैसे दिखेगा, और सचिन कब बैटिंग करने आएगा कैसे पता चलेगा, और इतनी दूर से मैच देखने का क्या मजा आएगा रोशन। पर सुनिए फिर क्या करूँ, और मैच देखने की टिकट तो मिल ही नहीं रही है। मैं सुन रोशन तू भी, ओ सोनिया तू फिक्र ना कर, शायद जेठा भाई टिकट का बंदोबस्त कर दे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 टिकट चाहिए। अरे नहीं हो सकते तो ना बोलो ना भाई, भड़क के गाली क्यों दे रहे हो। एक्सक्यूज मी सेठ जी, एक रिक्वेस्ट है। बोलिए। सचिन तेंदुलकर लास्ट टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो उस दिन मुझे और बागा को दुकान से छुट्टी मिल सकती है। टिकट का बंदोबस्त हो गया? सेठ जी और एक रिक्वेस्ट है, मेरी और नट्टू काका की टिकट का बंदोबस्त आप कर देंगे? सेठ जी डोंट वरी अबाउट मनी, पैसे हम दे देंगे। अरे यहाँ मेरे टिकट का बंदोबस्त नहीं हो रहा है, आप लोगों के टिकट का बंदोबस्त कहाँ से करूँ? आपको कितनी टिकट चाहिए? 20 टिकट। 20 टिकट? तो टू ऑप्टिमिस्टिक। सेठ जी इस टाइम पे खुद सचिन तेंदुलकर को 20 टिकट चाहिए होगी तो उसे भी नहीं मिल सकती, लेकिन 2 टिकट मिल जाएगी, करवा दीजिए ना। अरे आधे टिकट का भी बंदोबस्त नहीं हो रहा है भाई, 2 टिकट की क्या बात कर रहा है तू? सेठ जी गिव मी 5। अभी 2 की जगह 5 टिकट चाहिए आपको। 5 टिकट्स नहीं, गिव मी 5 मतलब ताली दीजिए। किस खुशी में? अरे सेठ जी टिकट का बंदोबस्त हो जाएगा। कैसे? आप पोची भाई को फोन कीजिए ना, पोची भाई को तो आप अच्छी तरह जानते हैं। याद है सेठ जी, इरफान पठान से उन्होंने ही मिलवाया था। अरे पोची भाई की बहुत पहुंच है। बिल्कुल बिल्कुल नटू काका, थैंक यू याद दिलाने के लिए। एक ब्रो भी ना, जेठालाल का मुंबई से फोन। हेलो। हाँ पोची भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से, पहचाना? बोलो ना बॉस, कैसे हो, कोई सेवा? पोची भाई आप तो बहुत सारे क्रिकेटर लोग को जानते हैं, तो थोड़ी आपकी मदद चाहिए थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, किस क्रिकेटर को किधर किसके उद्घाटन में बुलाना है? नहीं नहीं नहीं, उद्घाटन नहीं करवाना है, वो सचिन तेंदुलकर आखिरी टेस्ट मैच खेल रहा है ना, तो थोड़ी टिकट चाहिए थी मैच की। ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 टिकट हो जाए तो। 20 नहीं, 22 22 22। अरे जेठा भाई थोड़े लेट हो गए आप, 15 दिन पहले बोला होता ना तो 20 टिकट क्या पूरा स्टैंड आपके लिए बुक कर देता, अभी तो 1 टिकट करना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा हाँ सॉरी बॉस, कुछ और हो तो बताना। ठीक है। व्हाट हैपेंड सेठ जी? पोची भाई ने भी मना कर दिया। ओ सेठ जी आपने 20 टिकट का बोला ना इसलिए मना कर दिया, 2 टिकट का बोला होता तो मना नहीं करते। चुप रे। डोंट वरी भागा, नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम? सचिन तेंदुलकर दोबारा थोड़ी रिटायर होगा। हाँ, वो भी है। सेठ जी रिक्वेस्ट, 2 टिकट का करवा दीजिए ना। ठीक है, थैंक यू। आप लोग मेरी 20 टिकट का करवा दीजिए, मैं आपकी 2 टिकट करवा देता हूँ। कहाँ से होगी टिकट? अरे मौके पे चौका मारने वाला ही सच्चा खिलाड़ी होता है। ये मैच बहुत बड़ी है, इस मैच में मैं बहुत पैसा बनाऊंगा, मैंने कर लिया है पक्का, मारूंगा मैं छक्का। अरे ये मैच के बाद मैं ये ऑफिस बंद करके दूसरी बड़ी ऑफिस में चला जाऊंगा। हाँ हाँ ओके चलो बाय। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ सर आपका टिकट हो गया है, आप अपने आदमी को भेजकर टिकट ले लीजिएगा, और सुनिए बाकी के पैसे भी साथ में भिजवाइएगा। ओके
चलिए बाय। नमस्कारम सर। यार भाई जी कहिए, आप लोग कौन सी टीम के प्लेयर हैं? मेरा मतलब कहाँ से आए हैं, क्या क्या काम है? जी मैं देश के सबसे बड़े अखबार तूफान एक्सप्रेस से हूँ, वरिष्ठ पत्रकार पोपटलाल। ओहो आप पत्रकार हैं जी, तो कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी हमने सुना है कि आप सचिन की लास्ट मैच की टिकट्स बेच रहे हैं, तो हमें कुछ टिकट्स चाहिए। सब उसी के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन हर कोई रनआउट हो रहा है। मेरा मतलब है टिकट मिलना मुश्किल है, आप लोग बैक टू पेविलियन जा सकते हैं। लेकिन सर कुछ तो ट्राई कीजिए प्लीज। आप अगर हमें मैच के टिकट्स करके देंगे तो मैं हमारे इंटरनेशनल अखबार तूफान एक्सप्रेस में आपका इंटरव्यू छापूंगा। ओह इंटरव्यू, वो भी फ्रंट पेज पर कलर फोटोग्राफ के साथ। नहीं छपवाना मुझे इंटरव्यू। आप लोग किसी और मैदान में जाके मैच खेलिए, मेरा मतलब है कहीं और जाके ट्राई कीजिए टिकट के लिए। देखिए हम बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं, प्लीज हमें मायूस मत कीजिए। पोपटलाल अय्यर तुम लोग क्या? वो टिकट्स के लिए आए थे। अरे मिली कि नहीं, मैं भी टिकट लेने के लिए आया हूँ। चलिए वापस, यह खिड़की बंद हो गया है। ओहो चलो। इसके एक मिनट, एक मिनट, आप तारक मेहता है ना? जी जी। दुनिया ने ऊंधा चश्मा वाले जी, वही तारक मेहता हूँ मैं। अरे सर मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ तो हंस हंस कर मेरी थकान दूर हो जाती है। अच्छा थैंक यू सो मच। फैन इनके? हाँ हाँ मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या कुछ भी बोलते हो, अगर सच में इनके फैन हो तो इनको मैच के टिकट्स करके दो तो मानू। हाँ बराबर है। अरे मैं इनको कैसे मना कर सकता हूँ, बोलिए सर कितने टिकट चाहिए आपको? अरे थैंक यू सो मच। एक दो तीन? नहीं नहीं एक्चुअली एक दो तीन नहीं, हमें 20 टिकट चाहिए। 20 टिकट? प्लीज प्लीज 20 टिकट प्लीज प्लीज। सर आप प्लीज कहेंगे तो मैं क्रीज छोड़कर चला जाऊंगा। अरे सर आपको पता नहीं मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच। सर आपकी खुशी के लिए तो मैं कहीं से भी टिकट का बंदोबस्त कर दूंगा। क्या क्या बात कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। अरे सर थैंक यू सो मच, क्या बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे नहीं पता था मेरे आर्टिकल्स की वजह से आज टिकट मिल जाएंगे। बाय द वे कितने पैसे होंगे टिकट्स के? यूं तो लोग मुंह मांगे दाम देने को तैयार हैं, लेकिन मैं आपको भाव टू भाव दूंगा। ओह वेरी नाइस। एक टिकट के 2500, 20 टिकट के हो गए 50,000। हाँ सर लेकिन 50% आपको अभी एडवांस देना पड़ेगा। अच्छा हाँ चले आइए। 50% मतलब 25,000 है ना? लेकिन सर मेरे पास अभी सिर्फ 20,000 ही है, चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। अरे आप इनके जानने वाले तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ये लिया 20,000। बाय द वे सर टिकट्स कब मिल जाएंगे? टिकट्स आपको 1 घंटे में मिल जाएंगे। क्या बात है, सो नाइस ऑफ यू सर। चलेगा फिर हम बाकी के पैसे भी अरेंज करके लाते हैं। ओके ओके नो प्रॉब्लम। सच पूछो तो पोपटलाल अय्यर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा मेरा फैन के 20 टिकटों का इंतजाम करा दिया। वाह मेहता साहब वाह, देखा पोपटलाल इसको बोलते हैं बट। अरे मेहता साहब आपके आर्टिकल्स इतने फेमस है, क्या बात है क्या बात है। अरे साहब ईश्वर की मेहरबानी अय्यर भाई। अरे पोपटलाल तुम क्या सोच रहे हो भाई? मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। काला क्या मतलब? अरे जरा सोचिए, सचिन की आखिरी टेस्ट मैच की टिकट्स के लिए लोग मुंह मांगे दाम देने को तैयार है, तो ये इंसानों में भाव टू भाव टिकट्स क्यों दे रहा है? अरे पोपटलाल बोला ना वो मेहता साहब का बहुत बड़ा फैन है, फैन। हाँ माना अय्यर भाई कि वो मेहता साहब का बहुत बड़ा फैन है तो वो 1, 2 या 3 टिकट्स कर सकता है, लेकिन एक साथ 20 टिकट? तुम कहना क्या चाहते हो पोपटलाल? यही कि मुझे पूरा यकीन है कि ये आदमी हमें डुप्लीकेट टिकट्स देगा। कहना क्या चाहते हो पोपटलाल? यही कि मुझे पूरा यकीन है कि ये आदमी हमें डुप्लीकेट टिकट्स देगा। डुप्लीकेट टिकट कैसी बातें कर रहे हो पोपटलाल, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही होता है। आप लोग तूफान एक्सप्रेस नहीं पढ़ते? नहीं कोई बात नहीं। देखिए आजकल इस तरह के हादसे बहुत बढ़ गए।
इस बार नवरात्रि में भी लोगों ने डुप्लीकेट पासेस बनवाए गलत एंट्री के लिए। अरे पास तो पास, क्रिमिनल्स डुप्लीकेट नोट भी छापते हैं। तो क्या ये इंसान सचिन की आखिरी टेस्ट मैच के डुप्लीकेट टिकट्स नहीं छाप सकता? अय्यर भाई याद कीजिए, जब हम उसके ऑफिस गए थे तो उसने क्या बोला था? अरे ये मैच के बाद मैं ये ऑफिस बंद करके दूसरी बड़ी ऑफिस में चला जाऊंगा। हाँ, मैं तो बोल रहा था। ऐसा बोला था? हाँ। अरे बाप रे, हे भगवान, फिर तुम्हारे पैसे भी जाएंगे और नकली टिकटों के साथ अगर हम लोग स्टेडियम के गेट पे पकड़े गए तो इज्जत कितनी खराब होगी। लेकिन मेहता साहब, जो हमने उसको 20,000 रुपए दे दिए हैं, उसका क्या? हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ तो करो करो। हाँ, लेकिन मेरा फोन बैलेंस नहीं है फोन में। नहीं नहीं है ना, बिल्कुल है। कैसे बैलेंस नहीं है, ऐसे टाइम पे तो रहेगी ना बैलेंस। करो ना भाई। हाँ। हेलो, ये फाइल साउंड को दे दो। जी सर। हेलो, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। जी वरिष्ठ पत्रकार पोपटलाल हियर, मुझे एक कंप्लेन लिखवानी है। आई नो, यहाँ कोई चंदा लिखवाने के लिए फोन नहीं करता। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? सर यहाँ पर शक्ति नगर SV रोड पर एक इंसान सचिन की आखिरी टेस्ट मैच के डुप्लीकेट टिकट्स बेच रहा है। क्या? हाँ, और उसने हमसे 20,000 एडवांस भी ले लिए। आप लोग वहीं पे रुकिए, मैं अभी पहुँचता हूँ। अरे डोंट वरी, इस मैच में देखना मैं कैसे सबको टोपी पहनाता हूँ। मैच के बाद में सब मुझे याद करेंगे, सब मुझे ढूंढेंगे। हाँ, अरे आप लोग एक मिनट, हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे आप लोग इतनी जल्दी पैसे लेकर आ गए और साथ में पुलिस भी लाए, इतने से पैसे के लिए सिक्योरिटी? मिस्टर सुनील, आपका पर्दाफाश हो चुका है। क्या मतलब? हमें पता चल चुका है कि तुम सचिन की आखिरी टेस्ट मैच की डुप्लीकेट टिकट्स बेच रहे हो। क्या, ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, सारे देश में जो हर कोई लाइव मैच देखना चाहता है उसके इतने सारे टिकट्स आप सिर्फ ये कहकर दे रहे हो कि आप एक लेखक के फैन हैं? ये बात हजम नहीं हो रही है। बिल्कुल, आप हमें मैच की टिकट दिखाइए, मैं चेक कर लेता हूँ ओरिजिनल है कि नहीं। अरे लेकिन 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 कुछ नहीं, टिकट्स दिखाइए, हमारा शक दूर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये लीजिए टिकट, ये लीजिए सर। देखना अब कैसे इनकी दुनिया हिलती है। अब तो हमारे अखबार में आपका इंटरव्यू छपेगा ही, फ्रॉड टिकट सेलर, कलर फोटोग्राफ के साथ। ओह माय गॉड, देखा देखा, ये सारी टिकट्स असली है। पोपटलाल, आप ठीक से चेक कीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैंने बराबर चेक किया, इसमें एक भी टिकट डुप्लीकेट नहीं, और मेरे पास टिकट बेचने के लाइसेंस भी है। ये देखिए देखिए देखिए, बराबर से देखिए। क्यों, हो गया ना क्लीन बोल्ड? नहीं मतलब मैम, माफ करना, इन्होंने कंप्लेन की इसलिए हमें आना पड़ा। आप लोग भी ना बिना सोचे समझे शरीफ आदमी को बदनाम करते हो, कोई सबूत है नहीं और सीधा फोन कर दिया, पुलिस का टाइम खराब किया और उनका नाम खराब किया। आइंदा ऐसा कभी करना मत। चलिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्या करते हो पोपटलाल, कुछ भी बोलते हो। लेकिन आपने बोला था ना कि अब इस मैच के बाद ये ऑफिस बदल के दूसरी ऑफिस में चले जाएंगे। क्योंकि ये ऑफिस छोटा है, इस मैच के बाद में मैं बड़े ऑफिस में शिफ्ट होने वाला हूँ। तो फिर वो टोपी पहनने वाली बात क्या थी? अरे मैच में मैं सचिन की फोटो वाली टोपी सबको पहनाने वाला था, और मैच के बाद में मैं ऐसी पार्टी देने वाला था कि सब मुझे याद करे। सॉरी बब, मुझे थोड़ी गलत फहमी हो गई थी, सॉरी। क्या सॉरी? आज तक कभी पुलिस मेरी ड्रेसिंग रूम में नहीं आई है, मतलब मेरे ऑफिस में कभी पुलिस नहीं आई है, और आप लोगों की वजह से आज पुलिस यहाँ आई है।
माना कि गलती हो गई है, लेकिन अब आप नाराज मत होइए, जो हुआ उसे भूल जाइए, प्लीज 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 भूल जाइए, प्लीज। हम लोग अभी रुपयों का इंतजाम करते हैं, बाकी के रुपयों का, और हमें टिकट दे दीजिए प्लीज। अरे वाह, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैंने आप लोगों को रिस्पेक्ट दी, ईमानदारी से भाव टू भाव में टिकट दिया, ऊपर से आप लोगों ने मुझ पर ही उल्टा इल्जाम लगाया, मेरी विकेट लेने की कोशिश की और मुझे पकड़वाने के लिए पुलिस ले आए, बहुत अच्छी बात है। वेरी सॉरी सर, लेकिन देखिए मैं क्या, सॉरी, मैं अब भी आपकी इज्जत करता हूँ और आपके आर्टिकल्स आगे भी पढ़ूंगा, लेकिन अब मैं आप लोगों को मैच की टिकट नहीं दूंगा, आप लोग जा सकते हैं। देखिए सर, सब देखिए, मैं आपको टिकट नहीं देने वाला हूँ, आप लोग ये अपने 20,000 रुपया लीजिए और यहाँ से जाइए, आप लोग जा सकते हैं। पोपटलाल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्या जरूरत थी हमारे दिमाग में शक डालने की कि ये टिकट नकली है? इन्होंने तो हमारी दुनिया हिला दी, हाथ आई हुई टिकट चली गई, जाके किसी को बता भी नहीं सकते कि हमारे साथ हुआ क्या है, हंसेंगे लोग हम पे, और टिकट गए सो गए, इज्जत क्या खराब हुई है? जो व्यक्ति किसी का फैन होता है उसे क्या मानता है, तुमने क्या इज्जत कर दी पोपटलाल। चलो वरिष्ठ पत्रकार पोपटलाल, चलिए ऐसे, चलिए क्राइम रिपोर्टर बने फिर आइए। पापूजी, टप्पू के पापा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अरे टप्पू के पापा, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? और क्या हुआ, टिकट का इंतजाम हुआ कि नहीं? सॉरी दया, सॉरी बापूजी, बहुत कोशिश की लेकिन टिकट का बंदोबस्त नहीं हो पाया। अच्छा हुआ नहीं हो पाया, क्योंकि बापूजी और टप्पू ने मैच देखने का बंदोबस्त कर दिया है। सच बापूजी? हाँ बापूजी, और वो भी पूरी सोसाइटी के लिए। इतने सारे टिकटें मिली कैसे? मिली, बहुत खर्चा हुआ। अरे भाई खर्चे की चिंता तू छोड़ ले, तू बस सब लोगों को बोल दे कि मैच वाले दिन क्लब हाउस में जमा हो जाए, फिर वहीं से साथ में मैच देखने के लिए चलेंगे। बिल्कुल बाबूजी। हाय जेठा जी। बबीता जी, खुशखबरी है, मैच के टिकट का इंतजाम हो गया है। क्या? वाओ, ग्रेट न्यूज। हाँ, मैच वाला दिन सबको क्लब हाउस में जमा होना है, फिर वहीं से सब साथ में मैच देखने जाएंगे। ओके परफेक्ट, एंड थैंक यू सो मच। हेलो, हाय रोशन भाभी, मैच के टिकट का इंतजाम हो गया है। व्हाट करो, रियली दैट्स ग्रेट न्यूज, थैंक यू ऑल, या बाय, खुदा का लाख लाख शुक्र है। ओ बिडू, ओए टिकट का इंतजाम हो गया है, मैच वाले दिन सबको क्लब हाउस में मिलना। यस यस, धक्की मिलते, दिल खुश कर देता यारा, क्या बात है, थैंक यू सोड़ी। ये खुशखबरी अभी जेठालाल को देता हूँ। जेठालाल, जेठालाल खुशखबरी है, टिकट का इंतजाम हो गया है, मैच वाले दिन हम लोग को सुबह क्लब हाउस में मिलना है, ठीक है? अरे भाई, तो मुझे क्या बता रहा, मैंने ही सबको बताया। ओए कहे, तू तैयार होके पहुंच जाना मैच वाले दिन क्लब हाउस में। हाँ ठीक है, मिलते मिलते, चलो। ये तत्तरा तत्तरा तेंड लिया। जबरदस्त है, क्लब हाउस ही है ना ये? हाँ, ये तो स्टेडियम बना दिया है तो। अरे वाह, क्या सजाया है क्लब हाउस को, कमाल हो गया भाई। अरे ये क्लब हाउस में चारे कोर सचिन भाई क्यों दिख रहे हैं? हाँ देखो ना, we will miss you सचिन, सचिन के पिक्चर्स, सचिन सचिन एवरीवेयर। माय गॉड, ये क्लब हाउस ही है ना, क्लब हाउस को वानखेड़े स्टेडियम क्यों बना दिया? हाँ, तेंदुलकर स्टैंड भी बना है, देखो। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सजन भरा जी यहीं आने वाले हैं? छोड़ अंकल, केला कहीं भी बोले गए। एक मिनट एक मिनट भाई, हम सब तो स्टेडियम जा रहे हैं ना मैच देखने। एग्जैक्टली तो यहाँ पर ये सजावट क्यों की है?
हाँ बापूजी टिकटें कहाँ हैं? चलो जल्दी फटाफट जाते हैं स्टेडियम। क्या है, हमारी पहली बैटिंग आई और दो विकेट जल्दी से गिर गई तो सचिन आएगा ना बैटिंग करने के लिए। तो क्या उसकी बैटिंग पहले से देखने का मजा आएगा ना। सही बात है। यस यस। जेठिया, हम सब लोग मैच देखने के लिए स्टेडियम नहीं जा रहे। क्या सुनो, सब लोग सुनो सुनो, दरअसल हमें टिकट मिली ही नहीं। क्या अरे सुनिए सुनिए, प्लीज सुनिए, सचिन सर इतने महान प्लेयर है कि उन्हें देखने देश विदेश से लोग आए हैं और कई दिनों पहले पूरा स्टेडियम फुल हो गया है, हमने सोचा कि क्लब हाउस को ही स्टेडियम बना लेते हैं। इसलिए इतना सजाया है। इसलिए ये सब पूरी सजावट है। हमें तो साथ बैठकर सचिन सर का लास्ट मैच ही देखना था तो हमने ये आइडिया किया। जबकि असली मजा सबके साथ। वैसे ये आइडिया बहुत अच्छा है, नहीं मतलब 5 दिन क्लब हाउस में बैठ के हम लोग टेस्ट मैच देखेंगे ऐसे साथ में, क्या मजा आएगा नहीं? सही बात है कोमल, तुम 5 दिन नाश्ते खाने का इंतजाम यहीं कर लेना। Oh, come on, Hans. पर चाचा जी, इतने कम समय में आपने इतनी सारी तैयारियां कैसे की? अरे हाँ, हाँ। नट्टू और बाघा की मदद से। So cute actually. इस करामात के पीछे हम चाचा भतीजा का हाथ है। थैंक यू सेठ जी। चलिए अभी आप सभी अपनी अपनी जगह पकड़ लीजिए, मैच शुरू होने वाला है। मैच शुरू होने से पहले टप्पू सेना आप सभी को सचिन सर की एक झलक दिखाना चाहती है। सो लेट्स स्टार्ट। सचिन सर, आप हमारे हीरो थे, हो और हमेशा रहोगे। We love you, सचिन। सचिन। सचिन तेंदुलकर, हम तुमको बहुत मिस करेंगे, तुम हमारे देश की शान हो। All the best, सचिन।
24 साल से आप लगातार खेलते आ रहे हैं, अभी आप रिटायर हो रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा है। प्लीज हो सके तो रिटायर मत हो जाइए। आप कितने छोटे छोटे नौजवान खिलाड़ियों के प्रेरणा है, जिस तरह से आपने पूरी अपनी कारकिर्दी को रंग दिया है। मैं चाहता हूं कि हर कोई उभरता हुआ नौजवान खिलाड़ी आपसे कुछ न... सचिन सर, आप रिटायर हो रहे हो उस बात का दुख तो है, पर साथ में खुशी भी है कि आप रिटायर होने के बाद जो मर्जी खा सकते हो। We will miss you, our little master blaster. East or west, you are the best. हम सब आपको बहुत मिस करेंगे। आप प्लीज रिटायर मत हो। सचिन, तुम्हारे हमरा खूब भालेवाशी। इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में जो भी क्रिकेट से प्यार करता है उनके लिए एक प्रेरणा हो। वी लव यू सचिन। सचिन तुम भले रिटायर हो जाओ, लेकिन हमारे दिल से कभी दूर नहीं हो पाओगे, कह देता हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है सचिन भाई, हम सब आपको दिल से